हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड लास्ट इज रेंसिडिटी। तो एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। जैसे कि अपना इसमें जो पहले पढ़ेंगे वो अपना हो गया क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा अपना आता है क्या, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन एंड लास्ट वन रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। और ये होता है अपचयन अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया, कोरोजन संक्षारण एंड लास्ट वन विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ओके, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बात कर लिया है केमिकल रिएक्शन के बारे में, इक्वेशंस के बारे में और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रासायनिक जो समीकरण होती है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके प्रकार और उसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं, उसको उसके बारे में हमने पूरा अच्छे से बात कर लिया है। ये इसका लास्ट टॉपिक्स हैं जो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन उसमें से बाहर रिमूव हो रहा हो। ठीक है, क्या कहा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता हो और हाइड्रोजन का लॉस होता हो, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और जो हाइड्रोजन वहां से बाहर रिमूव हो रहा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए इसका लेते हैं एक, जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जब कॉपर को गर्म करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये जो कॉपर है, कॉपर के जो होता है ना, इसके सरफेस पे एक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो होती है क्या, कॉपर ऑक्साइड CuO। इसका नाम क्या है, ये है कॉपर ऑक्साइड। क्या हुआ यहाँ पे देखिए, जो कॉपर है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। क्या है ऑक्सीडाइज का मतलब, इसमें जो है देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, इसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है क्योंकि जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन गेन किया और फाइनली उसने क्या फॉर्म कर लिया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखिए, लेकिन उसके पहले देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे एक है, हम यहाँ दो से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे अपना कॉपर कितना हो गया, दो हो गया कॉपर भी, तो हम यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि जो रिएक्शन है, ताकि जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरे हम बात करें क्या, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन
रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये अपना कॉपर ऑक्साइड है। जब देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है और यहाँ पे क्या है H2, जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो CuO जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिड्यूस होके क्या है, ये रिड्यूस जो होकर, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, अपचयित होके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन है, जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे, देखिए कॉपर में से देखो क्या इसका है रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पे गेन नहीं हो रहा है, लेकिन इस कंपाउंड में से कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ बन जाएगा कॉपर और ये H2O, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है क्या, हाँ बिल्कुल बैलेंस है, कॉपर एक है, ये कॉपर हुआ H2O, यानी जो CuO है ये रिड्यूस्ड होके मतलब अपचयित होकर इसमें कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और जो H2 है ये ऑक्सीडाइज क्या है, ये क्या ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत होकर किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्या था, रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया। थर्ड वन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स एक केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हो, इसमें दोनों एक साथ होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे तो थर्ड अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ये दोनों रिएक्शन होती हो, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन टेक्स प्लेस। जिस केमिकल रिएक्शन में अगर ये दोनों रिएक्शन होते हैं एक साथ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों साथ साथ होती है एक ही रिएक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, CuO प्लस H2 हुआ, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिड्यूस क्या है, रिड्यूस्ड होकर अपचयित होकर किसमें, कॉपर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये जो है देखिए अब चूंकि इसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O बन रहा है, क्या बन जाएगा, H2O, मतलब क्या है, इसमें से देखिए यहां से यहां तक ये जो हुआ इसका नाम क्या पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जो है ना ऑक्सीजन बाहर रिमूव हो रहा है, मतलब कौन सा वाला, रिडक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है रिडक्शन, ठीक है। अब जो दूसरा वाला जो है, चूंकि इसके साथ जो है ना इसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो जो यहां से यहां तक जो होगी ये अपना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि इस रिएक्शन में क्या है, दोनों एक साथ हो रही हैं, रिडक्शन भी हो रहा है साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल इसको हम समझते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या है, कार्बन, तो क्या बनेगा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट, देखो यहां से क्या बनता है, ये जो जिंक है, जिंक रिड्यूस्ड होके यहाँ पे सिंगल जिंक में कन्वर्ट हो जाता है, और सी जो है यहां से क्या हो जाएगा, सी
वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, हुआ क्या, देखिए जो जिंक ऑक्साइड है ये रिड्यूस्ड होके अपचयित होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल जिंक में, और जो कार्बन है ना, जो कार्बन है ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है, और फाइनली क्या है, इसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या क्या यहाँ देखिए, इसमें ये इधर से इधर तक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब रिडक्शन, और इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, ये अपना क्या है, अपचयन और ये उपचयन। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपना रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीन टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। कोरोजन क्या है, देखो कोरोजन को बोलते हैं संक्षारण। होता क्या है, देखिए दोस्तों, जब कोई भी, देखो जैसे जब लोहे की, जब कोई नई नई चीज जब जो होती है वो शुरू में बहुत शाइनिंग करती है, मतलब बहुत वो चमकती है। ठीक है, उसका जो तो ब्राइटनेस जो होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी जो शाइनिंग होती है, धीरे धीरे वो डल पड़ जाती है, कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आयरन का जो आर्टिकल है वो हमारे जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, मॉइस्चर नमी, क्या है, नमी, पानी, हवा, ठीक है ना, इन सब के कांटेक्ट में वो आते रहता है, जिससे होता क्या है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ऑक्सीडाइज, मतलब क्या है कि उसपे क्या है ना, आयरन ऑक्साइड, क्या है, आयरन ऑक्साइड, मतलब कहीं ना कहीं जो आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या, उसपे ऑक्साइड्स की लेयर बनती जाती है, और उसका जो चम उसकी जो शाइनिंग होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इसकी जो शाइनिंग जो खत्म हो रही है धीरे धीरे ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, क्या बोलते हैं, लोहे का जंग लगना कहते हैं। तो देखिए कोरोजन संक्षारण क्या होता है, तो इसमें एक टर्म आपने देखा, क्या आपने देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, क्या है, लोहे का जंग लगना इसको हम कहते हैं। तो क्या होता है ये, कि जैसा कि मैं बताया, जैसे मान लीजिए ये सपोज करो कि ये अगर अगर कोई अगर ये आयरन का आर्टिकल होता, ठीक है ना, सपोज कीजिए अगर ये क्या है, आयरन का आर्टिकल है, ये शुरू में बहुत चमकेगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब इसका ना हवा, पानी, नमी, जब इनसे इसका कांटेक्ट में जब आता है, तो इसकी जो शाइनिंग होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना कहते हैं। ओके, अब इसके बाद अपना क्या है, कोरोजन क्या होता है, तो द ग्रेजुअल, क्या है, ग्रेजुअल ईटिंग ऑफ अ आयरन आर्टिकल, कोई आयरन आर्टिकल है उसको धीरे धीरे, क्या है, उसको धीरे धीरे जो खत्म होता है, कैसे खत्म होता है वो, जब आयरन आर्टिकल अटैक्ड होता है, जब इस पर कौन कौन से, जैसे कि एसिड हो गया, क्या हो गया, एसिड, मॉइस्चर, एयर, वाटर, जब ये सब सब्सटेंस के संपर्क में जब आता है, कांटेक्ट में आता है, तो धीरे धीरे क्या करती है ना, ये चीजें इनको धीरे धीरे खत्म करते जाती है, कैसे, उस पर रस्ट पड़ता है, उस पर जंग लगता है, और धीरे धीरे उसकी जो होती लेयर धीरे धीरे खत्म होती जाती है, मतलब ऊपर क्या होता है, इसके सरफेस पर लेयर बनती है, किसकी होती है, वो लेयर होती है ऑक्साइड की, वो लेयर फिर नीचे गिर जाती है, फिर से बनता है लेयर ऑक्साइड की, वो फिर नीचे चला जाता है, मतलब आप ये समझिए कि धीरे 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 क्या होगा ना, जो आयरन की जो थिकनेस होती है वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कोरोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। सिंपल सा हम कहें तो, जब किसी लोहे का कांटेक्ट या संपर्क होता है, एसिड हो गया, अम्ल, ठीक है ना, एसिड को अम्ल कहते हैं। देखिए क्या क्या, एसिड, मॉइस्चर,
वाटर एंड एक्सेट्रा, है ना। अम्ल, नमी और ये जल इत्यादि, जब इनके संपर्क में जब आता है ना आयरन का आर्टिकल्स, ठीक है, तो होता क्या है, धीरे धीरे उसके जो होती है ना सतह, है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फाइनल एक टाइम के बाद जो होता है ना वो एकदम खत्म ही हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना इसको पूरा जंग खा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो लोहे का जो चीज होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और इससे बचाने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, है ना, पेंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, पेंटिंग, पेंट करते हैं उस पे, है ना, पेंटिंग हो गया, है ना, ऑयलिंग क्या उसके ऊपर ना, जैसे कोई मेटल है ना उसके सरफेस पे, है ना, ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, पेंट करते हैं। ये सब क्यों करते हैं, ताकि जो मेटल है यानी जो धातु है, जो आयरन है, ठीक है ना, वो डायरेक्ट क्या है, वो डायरेक्ट किसके संपर्क में ना आए, इनके संपर्क में ना। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए ये माल, जैसे मान लीजिए लोहे का कोई चीज है, ठीक, अगर हम इसको ग्रीसिंग कर दें, क्या, अगर इसको हम ग्रीसिंग कर लें, इसके सरफेस से अगर हम पेंट लगा दें, तो होगा क्या, ये जो लोहा रहेगा ना ये डायरेक्ट क्या है ना इनके संपर्क में नहीं आएगा, मतलब कि इस पर जो है जंग वगैरह नहीं पड़ेगा। तो क्या है ना, इनसे बचने के लिए हम क्या है, पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, और क्या है, ग्रीसिंग करते हैं। इसमें एक होता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन भी किया जाता है, ठीक है ना। ये सब क्यों करते हैं, ताकि जो कोरोजन है उससे अपन बच, उससे आयरन के आर्टिकल को बचा सके। लास्ट है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी दोस्तों आप लोग से चिप्स वगैरह जब अपन जो खाते हैं चिप्स वगैरह, तो होता है क्या, जब अपन पैकेट खोलते हैं तो उसमें से जो है ना एक गैस जो है बाहर रिमूव होती है, क्या होती है, अपन जब पैकेट को जब अपन खोलते हैं आप देखते हो, जैसे चिप्स वगैरह हो गया जो लोग जैसे खाते हैं, तो चिप्स में क्या है ना पैकेट पूरा भरी, उसमें पूरा भरी भरी रहती है, पैकेट इतनी बड़ी है, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर एयर भरा रहता है, ठीक है, क्या उसके अंदर एयर भरा रहता है। चिप्स तो होता कम है, लेकिन उसमें हवा इतना रहता है, उसको देख लेता है कितनी बड़ी पैकेट है, लेकिन जैसे हम उसको जब खोलते हैं ना, तो होता क्या है, उसमें से गैस बाहर निकलती है, वो गैस जो होती है ना वो होती है कौन सी गैस, नाइट्रोजन। उसमें उस पैकेट में इसको अपन फ्लश करते हैं, भरते हैं, क्यों भरते हैं, ताकि जो चिप्स वगैरह जो होता है, जो ऑयल्स कि जो होती है चीजें जिससे बनी रहती हैं, ऑयल से जो चीजें, वो क्या ना हो, वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है ना, मतलब वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट क्रिया ना करे। अगर ऑक्सीडाइज हो गए तो क्या होगा, उसका जो होगा ना टेस्ट वो चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा, उसका टेस्ट ना वो चेंज हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, द चेंज ऑफ टेस्ट ऑर्डर जो होता है उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज होता है। क्यों होता है चेंज, क्योंकि जो सब्सटेंस पदार्थ जो होता है किससे बना हो, ऑयल, कहीं ना कहीं उसमें अगर ऑयल का, अगर उससे अपन ऑयल से तल के निकाले हैं, तो वो क्या करता है, एटमोस्फियर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या होता है वो, ऑक्सीडाइज, ठीक ना, मतलब ऑक्सीकृत, क्या होता है वो, ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन के साथ जोड़ के ऑक्सीडाइज होकर वो क्या है, उसका टेस्ट जो है उसका टेस्ट बदल जाता है, ठीक है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और इससे अपन बचने के लिए, इससे बचने के लिए ही क्या करते हैं अपन, उस जो पैकेट्स होते हैं या जो ऑयल्स जो चीजें बनाई जाती हैं ऑयल का यूज करके, उनको हम नाइट्रोजन जैसे गैस का यूज करके, है ना, ऑक्सीडाइज होने से बचा लेते हैं, और उनका जो है ना टेस्ट,
उनका जो ऑर्डर होता है वो बचा रहता है, वो लंबे समय तक जो है ठीक वैसे का वैसे ही रहता है। दोस्तों आई होप कि ये जो वीडियो है आपके काम की चीज हो, काम के होगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ इसको आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब दे दें दोस्तों।